सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो गाइज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में कुछ डिटेल्स आई है और स्पाइस शॉट्स हैं जो इस वीडियो में आप लोग देखोगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक विथ सनरूफ स्पाइड। तो आप लोग इसमें देखोगे सनरूफ जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में होगा एंड इट कुड बी ऑफर्ड विद अ 2.0 लीटर डीजल इंजन प्रोड्यूसिंग 158 bhp। और यहाँ पर कुछ इमेजेस है, कुछ स्पाई इमेजेस है जो कि SUV के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को हमें दिखाती हैं कि जो नई वाली स्कॉर्पियो है वो थोड़ी सी लार्जर है और फीचर्स अ कम्प्लीटली न्यू फ्रंट फेसिया। इट हैज़ अ मोर अपराइट रियर एंड बट रिटेन्स अ साइड हिंज्ड टेलगेट। द टेस्ट कार सीन हियर इज राइडिंग ऑन 10 स्पोक एलॉय व्हील्स दैट आर शॉड विद MRF वॉन्डरर टायर्स। अब इनसाइड की इसकी बात करें, द पर्टिकुलर टेस्ट म्यूल हैज़ अ ब्लैक डैशबोर्ड, बिल्कुल ब्लैक डैशबोर्ड मिलेगा। द सेंटर कंसोल हैज़ अ सिमिलर लेआउट टू द XUV 300, बिल्कुल XUV 300 जैसा कंसोल, मतलब इसका जो लेआउट है बिल्कुल वैसे सिमिलर होगा। और ये फीचर करता है एक टच स्क्रीन इन्फोटमेंट हेड यूनिट विद एयर कंडीशनर वेंट्स ऑन आइदर साइड एंड व्हाट अपीयर्स टू बी स्पीकर ऑन द टॉप। द व्हीकल हैज़ अ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दैट इज आइडेंटिकल टू वन सीन इन द न्यू XUV 500 प्रोटोटाइप्स। एंड जो मेन चीज़ मेरे को आपको इस वीडियो में बतानी थी वो सिर्फ ये है कि इसमें आपको सनरूफ मिलेगा विच इज़ इक्विप्ड विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होगा, जो कि अभी स्पाई शॉट्स जो हैं जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो वो हमें बता रहे हैं। एंड ये इसके बारे में है। बाकी मैंने आपको बताया ये कि ये जो स्कॉर्पियो है इट कुड बी ऑफर्ड विद 2.0 लीटर डीजल इंजन and which will be producing 158 bhp and the engine is expected to be paired with either a 6-speed manual or an automatic transmission। तो ये सारी फोटोज़ आप लोग देख सकते हो, इसकी जितनी फोटोज़ पाए शॉर्ट्स में है वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।